राम पे राजनीति हो ही नहीं रही, यह तो हमारा विश्व हरिपुरुष का मुद्दा था ना, हमारे एक मंदिर का नहीं, हमारे पहला जो अयोध्या का, उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद मथुरा का मुद्दा भी है। आरोप लग रहा है कि चुनाव को लेकर बीजेपी ने राम मंदिर का जो उद्घाटन है भगवान को विराजमान जल्दी कर दिया, अर्धनिर्मित मंदिर आरोप लगा रहे थे, तो क्या आपके दृष्टिकोण से चुनाव के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया या जिनको निमंत्रण मिला है उन्होंने ठुकरा दिया वो अभागी थे और जिन्होंने निमंत्रण लिया वो भाग्यशाली है, उनके जीवन में ऐसा पुण्य नहीं था जो उस दिन का वो दृश्य देखे। हमारे हाथ में जो आप ये निमंत्रण पत्र देख रहे हैं ये कोई आम निमंत्रण पत्र नहीं है, दरअसल आपको बता दें ये राम मंदिर का निमंत्रण पत्र है जो बाराबंकी जिले के हैं कृष्णन भारती जी, जिनको ये निमंत्रण पत्र मिला था तो इनसे पूछेंगे कि 22 जनवरी का वो पल कैसा था। 22 जनवरी इस तारीख को आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या सबसे पहला अलौकिक क्षण था? 22 जनवरी जो क्षण रहा है मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि जिस दिन भगवान श्री राम लंकापुरी से रावण का उद्धार करके आए और राज अभिषेक उनका जो हुआ वो पल जो जिन्होंने देखा होगा उससे कई गुना हमने आनंद की अनुभूति नहीं परमानंद की अनुभूति की है और ब्रह्मानंद की अनुभूति किया। 22 जनवरी मेरे लिए एक ऐतिहासिक और दिव्य दिन रहा। राज जी ये बताए कि बहुत लोग ये कहते थे कि यहाँ पर जो राम मंदिर बन गया है यहाँ पर कुछ और बनना चाहिए था बहुत से तमाम तरीके के, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये उनकी भूल है, ये उनकी अज्ञानता है और वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि राम कौन है। जिसने राम को समझा वो राम सच्चिदानंद घन है, वही परब्रह्म है और वो जो परब्रह्म राम है वो राम हमारे है जो हर रोम रोम में रमा है, कण कण में रमा है, क्षण क्षण में प्राप्त है। ऐसे राम की महिमा को वो लोग जानते नहीं है, जो राम को जानते हैं वो ये बात नहीं कहेंगे, वो अज्ञानी है जो ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा क्षण था कि जब आपने अपने आप को गर्व महसूस किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, कौन सा वो क्षण था? जी भावुक क्षण तो उसी दिन था जिस रोज मेरे को ये निमंत्रण कार्ड मिला तो मेरे रोम रोमांचित हो गए, मेरे आंखों में आनंद के आंसू आए और परमानंद के आंसू आए और मैं धन्य हो गया। वो जिस रोज निमंत्रण मिला वो क्षण की हम क्या कहे, पर जिस दिन हम 22 तारीख के रोज वहाँ बैठे उस रोज हमने राम की महिमा को देखा, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी है और ऐसा कोहरा, ऐसा पाला, ऐसी बद्री, पर जब हम वहाँ गए तो लगभग साढ़ा दस बजे सूर्य का प्रकाश ऐसे हो गया जैसे दिन बहुत अच्छे है, जैसे मान लो वही भगवान ने जब जन्म लिया था चैत्र राम नवमी में तो वो दिन जो एक महीना तक सूर्य भगवान रहे, पर उस दिन 10:30 बजे जो है सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और उसी काल में सूर्य भगवान शाम तक रहे और उसी काल में भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आनंद आंखों से देखा हमने वो वाणी से कहने का वर्णन है ही नहीं, वाणी का विषय नहीं है, सिर्फ हमारा उन लोगों ने अभिवंदन किया क्योंकि कम से कम संतों की संख्या कम से कम 5,000 से कम संख्या नहीं थी, तो सबका अभिवादन मोदी जी ने किया और हम सब लोगों ने उनको बधाई दी। और मोदी जी और योगी जी की तो क्या कहे, योगी जी जहां हम ठहरे थे उस कमरे में प्रत्येक संत से योगी जी हमको मिलने आए और सब लोगों। महाराज जी क्या क्या मिला आप बता दीजिए, ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड है, निमंत्रण पत्र के साथ उसमें पूरा जो वहां का नियम नियमावली थी और उसके हाँ उसके अंदर जो महापुरुषों का जो जिन लोगों ने बलिदान किया उनकी भी कापियां इसमें है जो मेरे हाथ में रखी हुई, ये निमंत्रण में मिला और हमको जो है वहाँ जो बैठक थी उसमें 6 नंबर हमको मिला था और उसमें जैसे गए उसमें भगवान श्री राम का नाश्ते के रूप में महाप्रसाद है, उसके बाद भोजन प्रसाद भी वहाँ मिला, उसके बाद चलते वक्त विशेष प्रसाद भी हम लोगों को मिली। ये महाराज जी क्या है, ये इसमें ये संकल्प निमंत्रण है, ये और मुख्य जो निमंत्रण पत्र है आपको दिखा देता हूँ, ये निमंत्रण पत्र है, ये देख सकते हैं आप, ये निमंत्रण पत्र है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या, और ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है और ये निमंत्रण पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बाकायदा
अतिथि है तो पूरा आमंत्रण पत्र यहाँ पर लिखा गया है। जिनको निमंत्रण मिला है उन्होंने ठुकरा दिया, वो अभागी थे। हाँ। और जिन्होंने निमंत्रण लिया वो भाग्यशाली है। उनके जीवन में ऐसा पुण्य नहीं था जो उस दिन का वो दृश्य देखे और भगवान श्री राम का दर्शन करे। अच्छा महाराज जी, आप ही के कुछ शंकराचार्य थे, नाराज थे, उन्होंने कहा कि मंदिर पूर्ण नहीं है, इसलिए वो नाराज थे, गए भी नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वो महापुरुष है और जगत गुरु शंकराचार्य हम सब लोगों के पूजनीय है, पर उन्होंने जो कहा हम देख का है मंदिर पूर्ण है। और हम शंकराचार्य झूठ बोल रहे थे? नहीं, झूठ नहीं। हाँ। वो उनका अपना विषय है, वो उनका अपना विचार था। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था उनको? मेरे हिसाब से आना तो चाहिए था, आना चाहिए था ना। अच्छा, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे या फिर योगी मोदी को देना चाहेंगे राम मंदिर का? वैसे तो विषय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं, पर ये जो मंदिर बना, जैसी मंदिर की आभा प्रतिभा है, वो श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। राम मंदिर पर उसने खर्च कर दिया, अगर कहीं और खर्च होते तो देश की जो है क्या कहते हैं गरीबी दूर हो जाती है। वो तो अपने समय में हमने देखा उनको, उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, कितने मस्जिद में खर्च किया, कितने जो है खर्च किया, कहाँ कहाँ किया, तो वो अपने अपना निमंत्रण में भी नहीं आए, ठुकरा दिए, उसके बाद आएंगे। निमंत्रण में हो सके क्यों नहीं आए, हमने कहा ना उनके भाग्य में उस दिन का दृश्य नहीं था जी। उस मूर्ति में सबसे अच्छा हमको ये लगा कि भगवान का जो स्वरूप था वो स्वरूप ऐसा था जैसे कि मूर्ति नहीं, भगवान स्वयं साक्षात्कार ही दर्शन दे रहे हैं। और वहाँ पे समस्त बैकुंठ जैसा हमको अनुभूति हुई कि भगवान बैकुंठ में विराजमान है और हम स्वयं बैकुंठ में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी आरोप लग रहा है कि चुनाव को लेकर बीजेपी ने राम मंदिर का जो उद्घाटन है भगवान को विराजमान जल्दी कर दिया, अर्धनिर्मित मंदिर आरोप लगा रहे थे, तो क्या आपके दृष्टिकोण से चुनाव के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया, या फिर क्या बीजेपी इस लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भुनाना चाहती थी, ऐसा कुछ था आपकी नजर में, या फिर मुहूर्त देख के पूरी तरीके से अपने हिसाब से संत महापुरुषों की जो है क्या कहते हैं राय लेकर ऐसा सब किया गया? इसमें जो मुहूर्त की बात है वो तो हमारे काशी के जो विशेष विद्वान है, जो हमारे साल दो साल दस साल पहले के जो हमारे ये पत्रिका पंचांग बनाते हैं उन लोगों ने मुहूर्त देखा है। और बात सही जो आप चुनाव कह रहे थे तो राजनीति वाली बात है, ये नहीं, ये तो हम राम पर राजनीति होनी चाहिए, राम पर राजनीति हो ही नहीं रही, ये तो हमारा विश्व हरिप्रसिद्ध का मुद्दा था ना, हमारे एक मंदिर का नहीं, हमारे पहला जो अयोध्या का, उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद मथुरा का मुद्दा भी है। हाँ। तो ये तो विश्व हरिप्रसिद्ध पूरे विश्व का, हिंदुओं का जो था, तो हिंदुओं का साथ मोदी जी योगी जी ने दिया है, इसलिए उनको हम सब संत महापुरुष जितने सबका आशीर्वाद मिलेगा। और हम चाहते हैं कि पुनः जो वापस 24 में मोदी की सरकार इतने बहुमत से बने कि अभी तक किसी की सरकार बनी ना हो। जो राम का होगा वही हमारा होगा, जो राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है, किसी काम नहीं। चलिए बाबा धन्यवाद, हमारे साथ महाराज जी थे पावन भूमि अयोध्या, जहां पर रोम रोम में राम बसते हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए 22 जनवरी की तारीख एक अलौकिक तारीख रहने वाली है, और ये तारीख सदियों तक लोग याद रखेंगे, क्योंकि स्वर्णिम अक्षरों में इस तारीख को लिख दिया गया है।